गुड मॉर्निंग बेटा। इसके पहले वाले पार्ट में हमने अजंता की गुफा पार्ट के पाठांश और उसके छोटे वाले जो प्रश्न उत्तर थे वो पढ़े थे, है ना। इस वाले वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कुछ शब्दों में और अधिकतम शब्दों में। ये हम आपको वीडियो में समझा रहे हैं बेटा, अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी हम PDF भेजेंगे आपको, लिखना PDF में से ही है। PDF में जो क्वेश्चन आंसर हम भेजेंगे उन्हीं को आपको नोटबुक में लिखना है। अभी हमने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि यदि हम बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो अजंता की गुफा का कुछ शब्दों में प्रश्न क्या है, पहला, तीसरी गुफा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तीसरी गुफा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तीसरे नंबर की गुफा की क्या विशेषता है कि उसमें आवाज गूंजती है, है ना। सबसे बड़ी क्या है, इसकी छत ऊबड़ खाबड़ है। पहली विशेषता यह है कि इसकी जो छत है वो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, उस पर आपको चलते हुए डर लगता है। उसको जब हम देखते हैं नीचे तो जगह जगह ऊबड़ के जैसे छत नीचे लटकी हुई है, जिसे देख कर लोग डर जाते हैं कि ये हमारे ऊपर गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जो जमीन है वो भी बिल्कुल समतल नहीं है, जगह जगह से आड़ी टेढ़ी है, जिसमें चलने में हमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता उसकी ये भी है कि उसमें आवाज़ गूंजती है, बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति भी हमारी बात को आसानी से सुन लेते हैं, उन्हें आसानी से हमारी आवाज़ सुनाई दे जाती है। तो तीसरी गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी जो छत है वो ऊबड़ खाबड़ है। बाकी की जितनी भी गुफाएँ उनकी सबकी छतें जो हैं वो बिल्कुल समतल हैं, देखने में हमें कुछ भी डर नहीं लगता। उनके जो खम्भे हैं उन पर तरह तरह की नक्काशी की गई है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जो तीसरे नंबर की गुफा है इसकी जो छत है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। आवाज़ गूंजने का क्या लाभ होता था, दूसरा क्वेश्चन है, आवाज़ गूंजने का क्या लाभ होता था उस समय में उस गुफा में जब एक जगह पर बैठकर कोई व्यक्ति कुछ बोलता था और उसकी आवाज़ गूंजती थी तो उसका लाभ क्या होता था। तो इसका उत्तर क्या हुआ, उसका लाभ ये होता था कि बौद्ध भिक्षुओं के जो गुरु थे वो जो प्रवचन देते थे उसको उनके सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, उन्हें आसानी से वो आवाज़ सुनाई दे जाती थी। बौद्ध गुरुओं द्वारा दिए गए प्रवचन पूरी गुफा में सुनाई देते थे, है ना। उस समय पर कोई माइक नहीं होता था, कोई यंत्र नहीं होता था जिसके द्वारा वो अपनी आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचा सके। तो इस गुफा के होने से ये वाला फायदा था कि जब वो लोग कुछ प्रवचन देते थे तो उनके जो शिष्य होते थे उन्हें आवाज़ आसानी से पूरी गुफा में सुनाई देने लगती थी। इसके बाद ही अधिकतम शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर, गुफा बनाने के क्या कारण रहे होंगे, ये जो गुफाएं बनाई गई थी इसका क्या कारण रहा होगा, क्यों गुफाओं को बनाया गया, अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए, है ना। उस समय जो आदि मानव हुआ करते थे उनके पास नहीं उनको घर नहीं था, उन्हें घर बनाना नहीं आता था, जंगलों में घूमते थे और जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं, तो वो जानवर उन्हें नुकसान पहुंचाते थे, उन्हें मार के खा जाते थे। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, चट्टानों को काट काट कर गुफा का निर्माण किया था और मौसमी आपदाओं से भी बचाव होता था। तेज पानी आ रहा है तो अपने आप को छुपाने के लिए कहाँ जाए, तो उनके पास जो गुफा होती थी वो उस गुफा में ठंड से, बारिश से, गर्मी से, धूप से, हर चीज़ से वो उसमें बच जाते थे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, गुफा बनाने के क्या कारण रहे होंगे, तो गुफा बनाने का कारण था अपने आप को जंगली जानवरों से बचाना, मौसमी आपदाओं से खुद को सुरक्षित रखना, यही कारण गुफाएं बनाने का रहा होगा। आवाज़ गूंजने का क्या रहस्य है, आवाज़ जो गूंजती है उस गुफा में उसका क्या रहस्य है, तो इसका उत्तर होगा ज्वालामुखी से निकली पिघली आग के गोले, जो पिघल गई थी आग। ज्वालामुखी क्या होता है, जमीन में से एकदम लावा जैसा निकलता है, पूरी पिघली हुई आग रहती है, वो एकदम से ऐसे चलती जाती है, उसके सामने कोई भी आए उसको वो जलाती जाती है। तो वो जो आग के गोले थे और बुलबुले थे वो जगह जगह जम गए, जहाँ तक वो चला जितना
ज्वालामुखी में से आग निकली, वो जहाँ तक जाती गई वहाँ तक गई, उसके बाद एक जगह पर जाकर वो रुक गई, है ना। वो जब वो रुक गई तो उसके छोटे छोटे बुलबुले जैसे भी बन गए, आग में जब कुछ ठंडी चीज़ पड़ती तो बुलबुले बनते हैं, तो जब वो ठंडी होने लगी तो उसके बुलबुले बनने लगे जगह जगह, और वो बुलबुले जो थे वहीं के वहीं रह गए, और वो ध्वनि तरंग को अपने आप में जज्ब करने लगे, अपने अंदर समेटने लगे, और फिर दूसरे और दूसरे लोगों को प्रक्षेपित करने लगे, दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। तो इसी का कारण रहा होगा कि ये आवाज़ वहाँ पर गूंजती थी। फिर से अपन इसको समझेंगे, तो ज्वालामुखी जो थे, ज्वालामुखी जब फटे तो उनमें से जो आग निकली, जो आग का लावा निकला, वो फैलता हुआ बहुत दूर तक गया, और जब वो लावा जहाँ जाकर रुक गया उस जगह पर उसने बुलबुलों का रूप ले लिया, और वो जो ज्वालामुखी के बुलबुले थे वो जगह जगह पर इकट्ठे हो गए, और वो अपने अंदर आवाज़ को जज्ब करने लगे, अपने अंदर आवाज़ को लेकर उसे वापस प्रक्षेपित करने लगे, उसके अंदर आवाज़ आती और फिर वो बाहर जाती, और जब वो बाहर जाती तो ज्वालामुखी की जहाँ तक की रेंज थी, जहाँ तक वो ज्वालामुखी का लावा था वहाँ तक वो उस आवाज़ को पहुँचाते थे। तो यही उसका कारण था कि उस गुफा में आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी। गुफा और लावे का क्या संबंध है स्पष्ट करो, गुफा का और लावे का क्या संबंध है, क्या संबंध है कि जो गुफा की छत है, जो उस गुफा की छत है उस पर लावा जमा हुआ है, आज भी वो जो लावा है उसका, ज्वालामुखी का जो लावा है वो आज भी उसकी छत पर जमा हुआ है, जो ध्वनि विस्तारक यंत्र का काम करता है। यदि उस लावे को काट कर तोड़ कर फेंक दिया जाए तो वहाँ पर ये आवाज़ गूंजना बंद हो जाएगी, वहाँ पर आज भी वो लावा उसी तरह सुरक्षित है, उसको किसी ने छेड़ा नहीं है, वो जगह जगह से उबड़ खाबड़ दिखता है, बेकार दिखता है, लेकिन फिर भी उसको वैसा ही छोड़ दिया गया है। तो वो जो लावा है वही ध्वनि विस्तारक यंत्र का काम करता है। बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं का प्रयोग किस रूप में करते थे, जो बौद्ध भिक्षु थे वो इन गुफाओं का प्रयोग किस रूप में करते थे, एक तो जब वो लोग अपने चलते चलते बहुत टाइम तक थक जाते थे तो वो उसको अस्थायी निवास बना लेते थे, कुछ दिनों के लिए बारिश आ गई या ठंड आ गई तो वो उन गुफाओं में कुछ दिनों के लिए रहने लगते थे, उसे अपना अस्थायी निवास बना लेते थे, वहाँ रहते थे, और फिर उनके जो गुरु होते थे वो जो प्रवचन देते थे उस प्रवचन को वहाँ पर रहने वाले सारे भिक्षु जो थे वो सुनते थे और उससे लाभ लेते थे, उन्हें ज्ञान मिलता था, उनकी पढ़ाई होती थी। दर्शक क्या देखकर भयभीत होते हैं और क्यों, जो लोग अजंता की गुफाएं देखने जाते हैं वो क्या चीज़ देखकर एकदम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और क्यों हो जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर जो छत है उस पर जगह जगह से कुबड़ के जैसे छत निकली हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई लटकी हुई छत दिखती है, जिसे देखकर दर्शक डर जाते हैं कि कहीं ये हमारे ऊपर ना गिर जाए, है ना, इसीलिए उन लोगों को डर लगता है। तो वो क्या देखकर डरते हैं, ऊबड़ खाबड़ छत को देखकर दर्शक डर जाते हैं, और क्यों डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये भय लगता है कि यदि ये छत हमारे ऊपर गिर गई तो हमारा क्या होगा, ये पूरी की पूरी चट्टान अगर हमारे ऊपर गिर गई तो हमारा क्या होगा। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे बेटा, अधिकतम शब्दों में पाठांश और ये सब चीज़ें हमने आपको समझा दी है। अजंता की जो गुफाएं कभी भी आप जब उसे देखने जाओगे ये सारी बातें आपको याद आएंगी, तो आपको उसे देखने में और भी मज़ा आएगा और भी अच्छा लगेगा। तो अजंता की गुफाएं बहुत खास है, हमारे लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, इनमें जाने से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इनमें जो खम्भे हैं इस तीसरी गुफा के अलावा जो और भी गुफाएं हैं उनमें बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है, उनकी जो छतें हैं वो बिल्कुल समतल हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं उनमें हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, बाहर के विदेशों के हमारे देश के बहुत सारे दर्शक उन गुफाओं को देखने निरंतर जाते रहते हैं। थैंक यू।